We are learning about what is democracy and why democracy. So what is democracy? Democracy is a form of government, okay, in which rulers are elected by the people. मतलब democracy ऐसा government का form होता है कि जिसमें जो rulers हैं वो लोगों के द्वारा elect होते हैं. We can say the democracy is the form of government of the people, by the people and for the people. मतलब जो लोगों के द्वारा होता है, लोगों के भले के लिए होता है और लोगों के डेवलपमेंट के लिए होता है. लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो मोर देन 190 कंट्रीज है, उस वहाँ पूरे कंट्रीज में कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं ऑटोक्रेसी है तो कभी अभी भी किंग्स रूल चल रहा है. जैसे कि म्यांमार है, वो आर्मी का रूल था, उन्होंने भी स्ट्रगल किया. ओके, देन दे हैव फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट. देन इफ आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ चाइल, ओके, वहां पर पिनोशेट का रूल था. पिनोशेट जो है वो वहां का डिक्टेटर था. सेम थिंग इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में यू लर्न ऑल दीज थिंग्स अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो तो सिंपल है कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ पर रूलर्स जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं. ओके, और वहां पर हर जो सिटीजन है वो सिटीजन को जो बेसिक राइट्स है वो दिए जाते हैं. जैसे कि और जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है. जैसे वहां पर इलेक्शन जो किसी प्रकार का होता है, वहां पर रियल चॉइस जो है लोगों को मिलती है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव उनके पास में होते हैं. जैसे कि आपके एरिया में कोई भी इलेक्शन हुआ होगा तो हर पार्टी का मेंबर वहां पर होता है. ओके, तो सेम लोग वो हर पार्टी के मेंबर में से किसी भी एक पार्टी के मेंबर को चुन के देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. सो हियर इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश. सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर ट्रायल इलेक्शंस. ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस शुड बी देयर. सो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है. और यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी. सब में इक्वालिटी होना चाहिए और हर जो एडल्ट है ओके उसको वोटिंग का जो राइट है वो होना चाहिए. आज हमारे देश में वोट टू राइट है. जो व्होएवर है वो कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ देयर एज दे कैन गिव वोटिंग. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर रिलेटेड बाय द पीपल. ओके, सो यह ये जो गवर्नमेंट है इसमें लोग जो है लोगों के जो लीडर्स है जिसे हम रूलर्स यहाँ बोल रहे हैं कि वो लोगों के भले के लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं और इलेक्शंस के द्वारा उनको चुना जाता है. और गवर्नमेंट में जो भी हर गवर्नमेंट को चलाने का काम पीपल वेलफेयर के लिए वो करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं. साथ में हर जो सिटीजन है उसको अपने जो राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो सब उनको फॉलो करना पड़ता है. देन व्हाई डेमोक्रेसी? सो वी नो दैट पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो होने के बाद में ज्यादा फेमस हुआ. सब लोगों को डेमोक्रेसी का महत्व समझ में आने लगा कि भाई किस प्रकार से हर किसी को अपने लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस की बहुत जरूरत है. सो डेमोक्रेसी एक बहुत इट इज अ बेटर गवर्नमेंट विच इज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए डेमोक्रेसी काफी महत्वपूर्ण है. साथ में डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उसको एनहांस करती है. सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. डेमोक्रेसी में हम हमारे से कोई भी जो मिस्टेक्स हुई है, कोई गलती है, उसको हम सुधार सकते हैं. अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी में होती है. ओके, एक गवर्नमेंट वाला पार्टी होता है, एक अपोजिशन पार्टी होता है. अगर किसी से कोई मिस्टेक होता है तो वहां पर सुधारने का जो चांस है वो हर किसी को मिलता है. इसीलिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है. देन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस वीडियो वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. लेकिन डेमोक्रेसी वी अंडरस्टूड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो हियर. ओके, सो इस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में हर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एरिया को बिलोंग करता है, उस एरिया के जो मेजर प्रॉब्लम्स होंगे उनको वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होंगी
वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है और वो वहां से डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, सो इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. ओके मींस नाउ हियर वी कैन कॉल डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड हियर इन डेमोक्रेसी मींस रियल जस्टिस इज डन, वी कैन से दैट. ओके सो इस प्रकार से हमें we can understand democracy gives us chance to sit together and take decisions collectively for the social welfare. So this is the broader meaning of democracy. I hope you like this video. If you like this video, subscribe.